वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो यार आज है बहुत सारा काम एंड कल सुबह निकलना है हमें आगरा के लिए। यार इतना सारा काम करके सच में हालत ख़राब ही हो गई। ये देखो इतने सारे ये मिठाई के डिब्बे वगैरह एंड इसमें है सोन पापड़ी एंड सब जगह यार पूरे सब जगह फैला रहा है। एंड अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। ये देखो पूरे में फैला रहा पड़ा है, इतना सारा काम कर लिया। एंड ये अभी बंद कर, इसको बंद कर। एंड अभी ना ये कुछ बना रही है मैडम जी, क्योंकि यार कल सुबह निकलना है एंड हमारे पास खाने का सामान इतना सारा है उसको सारा फिनिश करके तभी निकलना है। बिकॉज यार आगरा से आएंगे तो जब तक वो सब ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मेरी दीदी की शादी है, वहाँ पे मतलब मेरी कज़न है मामा जी की लड़की, उनकी शादी है तो हमको उधर भी जाना है। मैंने इसको रोक लिया था, इसको जाने नहीं दिया था और सारे गेस्ट चले गए हमारे घर से। आप लोगों ने शादी वाले ब्लॉग्स नहीं देखे तो आप लोग देख लो जाके, लगन सगाई वगैरह सारी चीज़ मेरे पड़े हुए हैं शादी के ब्लॉग्स। एंड अभी ये शायद क्या बना रहे हो तुम मतलब कुछ भी बन जाए, बस ये ख़त्म हो सब कुछ। मैं भी सोच रही हूँ बड़ा पाव बनाऊँ, बट यार बड़ा पाव के लिए मूंगफली नहीं है भाई मूंगफली नहीं है। एंड ये चाट पापड़ी वगैरह कुछ बना रही है, क्योंकि पापड़ वगैरह बहुत सारे रखे हैं तो चाट पापड़ी वगैरह बन जाएगी तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी इसीलिए, क्योंकि नहीं तो फिर बेकार ही हो जाएगा सारा कुछ। क्योंकि हम लोग बहुत दिन में आएंगे है। हाँ हाँ कुकिंग दिखाओ तुम, बनाओ कुकिंग करेंगे। चक्कू बना नहीं, चक्कू बना रखा तो मिलते हैं हमसे थोड़ी देर में आपसे। शर्मिना भी पैकिंग कर रही है सारी कल जाने के लिए। एंड ये हमारे जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, मिक मेरी मिक चिक्कू मेरी किलकुलू मिल्की। उधम ने दीदी की वेडिंग ज्वेलरी पहन ली। अभी ना मैंने अपना लहंगा निकाल लिया है और इसी को पहनूंगी मैं बारात में। उतार इन दोनों को ही, दीदी की लहंगा ड्रेस भी उतार ले दीदी की। तो यार ये ना सारा मम्मी भटपला वगैरह तैयार कर रही है वहाँ पे देने के लिए आगरा अपनी नानी के यहाँ पे। एंड ये कैसे पागल सी बैठी, दो दिन से नहाई नहीं है। छी छी शक्ल दिखाओ अपनी। तो यार अभी ना मैं बड़ा पाव बना रही हूँ, देखो जो उसमें चटनी डलती है ना मैंने वो भी तैयार कर लिया है। और ये रहा पाव, ये रहे बड़ा। एंड अभी बस मिर्च तलनी है मेरे को और इसमें बड़ा बड़ा जो है फ्राई करने हैं। जी चटनी नहीं है, इसमें मसाले हैं। ये चटनी है, इसको चटनी बोलते हैं मैडम जी, मसाले होते हैं। ये चटनी होती है, ये इसको चटनी बोलते हैं, सूखी वाली चटनी होती है। तेरा बना लिया मैंने बड़ा पाव, लो मम्मी को दे देना। देखो मेरी दीदी आ गई, देखो मेरी दीदी भूली भूली नहीं करी, पहचान दे कैंडी का घुस गई। बैग तो ले लूं, आते जी नहीं तनीसा कितनी अच्छी लग रही है। चल तू ऊपर चल, हां बैठ ले चल, अच्छी लग रही है। तो गाइस दीदी ना अभी आई है, हमें ना रात को ही निकलना है आगरा के लिए। और अभी दीदी करेंगे मेकअप ब्राइडल का। हम आ गए।
6.5 hours later. तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं आगरा और रात के 10:30 बजे चले जाऊंगी. हम लोग रेडी हो जाते हैं, जैसे बैठे थे वैसे ही चलती है. 2 hours later. तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, सामने का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ. हाय गाइस, हेलो, रिश्तेदार आ गए हैं हमारे घर. हमारे घर शादी का माहौल है. ये देखो, इन्होंने पूरा घर सजा रखा है. हाय हाय मौसी, हाय दीदी, ये लोग सजाएंगे. देखो गाइस, सब लोग मम्मी के पास ही चले गए. दरी अब हम लोग यहाँ पे खाएंगे खाना, फिर उसके बाद बात बात करके तो फिर सो जाएंगे. चावल नहीं अभी का. मैं दूसरी मामी के यहाँ पे आ गई, अपने छोटी वाली मामी के यहाँ पे. यहीं पे मैं सो रही हूँ और यहाँ पे तनिषा भी फोन चला रही थी. ओके गाइस, इफ यू लाइक माय व्लॉग, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब.